तो आखिर जिस स्क्वाड का देश को इंतजार था वो स्क्वाड आ गई है। 10 दिसंबर से भारत का साउथ अफ्रीका दौरा शुरू हो रहा है, जहां टीम इंडिया को 3 ODI, 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलना है। तो इस सीरीज के लिए जो स्क्वाड आई है, T20 स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड और ODI स्क्वाड, वो तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, जो कुछ क्लियर हुआ है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नहीं दिखेंगे। कहीं ना कहीं BCCI ने ये एक्सप्लेन करते हुए बता दिया है कि विराट और रोहित ने रेस्ट मांगा था, इस वजह से उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में रेस्ट दिया गया और ODI T20 में अफ्रीका दौरे पर विराट और रोहित नहीं आए, ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा जो कुछ खबरें निकल कर सामने आई, संजू सैमसन, जब ODI वर्ल्ड कप देश में होता है तो देखा जाता है T20 स्क्वाड में संजू सैमसन की वापसी होती है, इसका कोई तर्क है? अगर तर्क है तो BCCI तर्क दे इसका। युजवेंद्र चहल, पहले तो बाहर रखे जाते हैं, फिर इसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप सामने होता है, जब T20 वर्ल्ड कप सामने होता है तो ODI स्क्वाड में चहल की वापसी होती है, जब ODI वर्ल्ड कप सामने होता है तो T20 स्क्वाड में चहल की वापसी होती है, या फिर चहल ड्रॉप हो जाते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बहरहाल एक बार फिर से ODI की जो स्क्वाड आई है उसमें UG चहल को जगह मिल गई है। हालांकि हम सबको पता है जून में T20 वर्ल्ड कप है, तो ये समझ से परे है, क्योंकि T20 स्क्वाड में रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के साथ वहाँ पर टीम इंडिया गई है। तो क्या कुछ स्क्वाड है, कौन सी फॉर्मेट की, एक बार आपको जल्दी से वो स्क्वाड बता देते हैं। तो जो स्क्वाड आई है टीम इंडिया की, टेस्ट स्क्वाड से शुरू करते हैं। टेस्ट में रोहित शर्मा आपको कैप्टेंसी करते हुए दिखेंगे, तो टेस्ट में रोहित और विराट की वापसी हो गई है। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, KL राहुल, 2 विकेट कीपर के साथ टीम इंडिया टेस्ट में जा रही है, ईशान किशन और KL राहुल के साथ। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी, अगर फिटनेस इशू नहीं होता है फिर मोहम्मद शमी आपको इस स्क्वाड में दिखेंगे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है और प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये कुछ टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड है साउथ अफ्रीका दौरे पे, 2 टेस्ट मैचों की जो सीरीज है उसके लिए। अब टीम इंडिया के 3 T20 मैचों की स्क्वाड देख लीजिए एक बार, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे कैप्टन बनाया गया है, तो कैप्टनसी सूर्या के कंधों पे एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के अनुपस्थिति में मिली है, तो सूर्या कैप्टन होंगे। इसके अलावा रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन विकेट कीपर और जितेश शर्मा होंगे आपके दूसरे विकेट कीपर। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को इस सीरीज के लिए वाइस कैप्टन बनाया गया है। वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चाहर की यहां पे वापसी हुई है T20 स्क्वाड में। अब क्या कुछ 3 ODI मैचों की स्क्वाड है, एक बार वो स्क्वाड आपको बता देते हैं। तो जो ODI स्क्वाड आई है, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन की यहां पे डेब्यू होती हुई आपको दिख रही है। इसके अलावा तिलक वर्मा, रजत पाटीदार की भी यहां पे डेब्यू हो रहा है। इसके अलावा रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, KL राहुल कैप्टन विकेट कीपर, संजू सैमसन दूसरे विकेट कीपर होंगे आपके यहाँ पे। इसके अलावा अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, UG चहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर यहाँ पे आपको 3 ODI मैचों की जो स्क्वाड आई है इसमें यहाँ पे आपको दीपक चहर दिख रहे हैं। तो ये कुछ टीम इंडिया की ODI टेस्ट और T20 स्क्वाड है जिस पर दुनिया की नजरें थी, वो अब रिलीज हो चुकी है, सामने आ चुकी है और इसमें जो बड़ी बातें निकल कर सामने आई वो हमने आपको बता दिया। कुछ प्लेयर का समझ से परे सिलेक्शन फॉर्मेट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चहल जब T20 वर्ल्ड कप का सीजन है फिर ODI फॉर्मेट में आपको क्यों दिख रहे हैं, सैमसन जब T20 वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है तो ODI फॉर्मेट में सैमसन क्यों है, जब ODI वर्ल्ड कप सामने था तो T20 फॉर्मेट में सैमसन थे, इसका कोई तर्क है तो BCCI को तर्क देना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विराट कोहली ने रेस्ट मांगा था विराट को, क्योंकि विराट कोहली का हालिया T20 परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है, लेकिन BCCI का कहना है हम इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि विराट और रोहित ने खुद से रेस्ट मांगा था इसलिए उन्हें ड्रॉप किया गया है। बहरहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है टीम इंडिया के इस स्क्वाड पे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।